हजारों किलोमीटर दूर से आए हुए ओरिस्सा वासियों के लिए सूरत में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एक साथ हुए 12,000 ओरिस्सा वतनी लोगों को वात्सल्य कार्ड और राशन कार्ड जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ भी दिया गया, जिसमें गुजरात के बड़े बड़े IAS और सूरत शहर जिला कलेक्टर भी शामिल हुए। सूरत के सरथाना विस्तार में स्थित कन्वेंशन हॉल में हजारों की संख्या में ओरिस्सा वासी इकट्ठा हुए। ये कार्यक्रम ओरिस्सा वासियों के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि सालों से सूरत में रह रहे और सूरत को अपनी कर्म भूमि बना चुके ओरिस्सा वासियों को अभी तक सरकारी योजनाओं का किसी भी तरह का लाभ नहीं मिल पाया था। खास तौर पर आरोग्य से जुड़ी सभी योजनाओं भी अभी तक उन्हें नहीं मिल पाई, लेकिन अब राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में वात्सल्य कार्ड योजना के लाभार्थियों में ओरिस्सा वासी भी सहभागी हुए हैं। पिछले कई समय से ओरिस्सा वासियों को ये लाभ मिले इसलिए कैंप का भी आयोजन किया गया था और उनके सभी डॉक्यूमेंट जांचने के बाद उन्हें उनके आरोग्य से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए इलाज के लिए शहर की कोई भी बड़ी अस्पताल में जा सकते हैं और 5,00,000 रुपए तक की आरोग्य सुविधा का लाभ ले सकते हैं। साथ ही उन्हें राशन कार्ड की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई। एक्चुअली ये वो प्रवासी ओडिया समाज का महाजागृतिकरण है और उसमें काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हम लोग का 9,00,000 आदमी सूरत में रहते हैं और सूरत में रहते हुए 9,00,000 आदमी हम लोग कई सारे सरकारी योजना से वंचित हैं, जैसे कि माँ कार्ड हो गया कि आधा अपना राशन कार्ड हो गया, आवक का दाखिला हो गया, इस टाइप का काफ़ी सारा सरकारी योजनाओं से हम लोग वंचित हैं। तो मैंने प्रशासन से बात करके, गुजरात सरकार से बात करके काफ़ी सारे लोगों ने भी समझे और हम लोग को हेल्प करने के लिए आगे आए और इस वजह से हम लोग काफ़ी सारे 12,000 से भी ऊपर का माँ कार्ड करने के लिए सक्षम हो पाए। कितना फ़ायदा होगा उड़ीसावासी को इस माँ कार्ड? हर उड़ीसावासी कोई भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में जिसमें माँ कार्ड वैलिड है उसमें वो जा करके उसका बड़ी बड़ी मतलब बीमारी 5,00,000 तक छूट है और 5,00,000 तक कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे किए भी हैं और कर भी रहे हैं। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़, सूरत।